एग्जिट पोल देखने के बाद भी मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि एनडीए को कम से कम 100 सीट का नुकसान होगा, और बहुत अच्छा अगर उन्होंने किया तो 80 सीट का नुकसान होगा। 200 325 सीटों पे अगर वो हैं और बहुत अच्छा करेंगे तो 80 सीट कम तो 245, बहुत अच्छा अगर किया तो। सरगुजा में लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो कहा है कि टफ हो गया है चुनाव, कि जहाँ कांग्रेस जीती थी वहाँ पर लीड कम हो सकती है। अंबिकापुर में, लुंड्रा में, सीतापुर में हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, तो यहाँ उनका कहना है कि जीतेगी भी कांग्रेस तो कम से जीतेगी। और प्रेमनगर और भटगांव में लोगों का आकलन है कि कांग्रेस हार सकती है। पिछले बार लोकसभा में हम लोग 30-30 हज़ार से, 40-40 हज़ार से वहाँ से हारे थे, तो वो स्थिति तो मुझे नहीं दिखती। कितने से हम लोग विधानसभाओं में पीछे जाएंगे, प्रेमनगर, भटगांव, सामरी, बलरामपुर, रामानुजगंज और प्रतापपुर में मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी। ये तय करेगा कि कितने से हार या जीत होगी। अगर हारने वाली हमारी विधानसभाएं 20-20 हज़ार की होंगी और जीतने वाली विधानसभाएं 10-10 हज़ार की होगी तो कांग्रेस को मुश्किल जाएगा। लेकिन जहां हार रहे हैं वहां 10 हज़ार से ज़्यादा से अगर नहीं हार रहे हैं तो कांग्रेस जीत जाएगी। हाँ, मेरा अभी भी ये मानना है कि पहले राउंड की जो पहले दूसरे राउंड की 4 सीटें थीं वो कांग्रेस जीत रही है। रायगढ़ कांग्रेस जीत रही है, कोरबा कांग्रेस जीत रही है, 6 तो यही हो गए, और बाकी जो बचा 5 सीटें सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये 4 से 5 सीटों में कांग्रेस 2 सीटें कम से कम जीतेगी, और उसको लेके मैंने 5 सीटों की बात कही। सरगुजा को मैंने डाउटफुल में रखा है। कारण ये कि लोगों ने ये कहा कि एक तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसको बीजेपी ने बहुत भुनाया। दूसरा, नमक और चने को बहुत ज़्यादा भुनाया। और तीसरा, सूरजपुर प्रेमनगर विधानसभा में कि गोंड गोंड दोनों प्रत्याशी हैं, अगर एक गोंड प्रत्याशी को जिताओगे लोकसभा में तो विधानसभा में गोंड प्रत्याशी हैं ही हैं, तो गोंड प्रत्याशी को रहने दो। अगर खेलसाई जी सांसद बन जाएंगे तो जनरल कैटेगरी का कोई आ सकता है। विंकी बाबा का लोगों ने नाम ले लिया, तो ऐसे भावनात्मक बातों का अगर प्रभाव होगा तो ही कांग्रेस सूरजपुर प्रेमनगर विधानसभा में पीछे जा सकती है या ज़्यादा पीछे जा सकती है, वरना मुझे नहीं लगता कि बड़े मात्रा में सूरजपुर और भटगांव में जब तक कांग्रेस नहीं हारती है 20-20 हज़ार से ऊपर, तब तक लोकसभा हारने का कांग्रेस को चांस कम रहेगा। अगर मुद्दे नहीं, मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे मुद्दा अगर विधानसभा चुनाव में टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाने का था, अगर नहीं बने तो आप बताइए, रमन सिंह जी इस बात का प्रचार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सरकार में हैं, सब मिलके ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन रमन सिंह जी आए तो देखिए टीएस बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, शिवराज सिंह जी आए तो टीएस बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपने राम विचार नेता तो देखिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सुई मंत्री बना दिया। तो ये प्रचार जो उन लोगों ने भावनात्मक करने का कोशिश किया, और कुछ होता है कि अपने क्षेत्र से अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो लोग वोट हो सकता है ज़्यादा दें, गैर कांग्रेस के लोग भी वोट हो सकता है उस बात पे डाल दें, तो वो वोट कम होते हैं। और ये जो मुद्दे उन्होंने उठाए चना नमक का, इसको हम लोगों को काउंटर करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इस बात को स्पष्ट रूप से रखना पड़ा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुद्दे मुद्दे बदल जाते हैं। For more information, log on to www.clips.in.